वेलकम टू गेट अकेडमी डियर स्टूडेंट्स। और मेरे पास सिविल का एक अगला क्वेश्चन आ चुका है, सेकंड क्वेश्चन होने वाला है हमारे पास हमारे यूट्यूब चैनल पे। और मैथमेटिक्स का सेकंड क्वेश्चन मेरे पास है, कॉशी का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहाँ पे कॉशी कैसे बोला मैंने, देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, इसको मैं डायरेक्ट डी के फॉर्म में नहीं लिख सकता, यहाँ पर मेरे पास एक्स स्क्वायर। अब ये जब भी इस फॉर्म को क्रिएट करता है, ये होता है कॉशी का डिफरेंशियल इक्वेशन। कॉशी का डिफरेंशियल इक्वेशन में अब बात कर लेते कॉशी के बारे में थोड़ी सी और। तो हम लोगों को अभी जब क्वेश्चन आपने प्रीवियस भी मेरा देखा होगा, वीडियो देखा होगा, आपने सॉल्यूशन देखा होगा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन ब्रांच में, वहां पर भी मेरे को एक कॉशी का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म किया था, बिल्कुल यहां पर भी है। उस टाइम पे मैंने बोला था सिविल वालों को इससे फायदा मिलेगा, देखिए ये फायदा मिल रहा है हम लोगों को, यही क्वेश्चन आया हुआ, सेम क्वेश्चन था वहां पर भी, सेम क्वेश्चन है यहां पर भी, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने उठा लिया ब्लैक कलर का मार्कर और यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम लोग आसानी से सॉल्व करें। देखिएगा हमने क्या करना है, इसमें एक्स इज इक्वल टू ई पावर टी पुट कर लेना बड़े आसानी से। आने वाले भविष्य में हम t इज इक्वल टू लॉग एक्स पुट करने वाले, ये अपने को पता है ना। अगर आप लोगों को नहीं पता तो आप वीडियो आप यहाँ पे पॉज करने वाले और जाके मेरे ही YouTube चैनल पे, जो गेट अकेडमी का YouTube चैनल है, मेरा ही आपको वीडियो देखना है, वहां पर कॉशी के बारे में मैंने बात करी है, वहां पर आप जाके पहले देखें कि करते क्या है, उसके बाद आप वापस आके इसको देख सकते हैं, ठीक। इससे फायदा क्या मिलेगा, जैसे मैंने बोला लेट, आगे मैं बोलूंगा वी गेट, तो मेरे पास क्या आ रहा है देखते हैं, ये क्या हो रहा है, ये हो जाता है डी डी माइनस वन वाई माइनस, ये सिंपल टू और ये डी वाई प्लस, ये मेरे पास टू वाई, ठीक है, और इज इक्वल टू जीरो। अगर मैं वाई को कॉमन ले लेता हूँ तो देखिए ध्यान से, ये हो गया डी स्क्वायर, ये माइनस डी माइनस टू डी, तो माइनस थ्री डी हो गया और प्लस मेरे पास कितना टू, ब्रैकेट क्लोज करते हैं यहाँ लगाते हैं वाई और इज इक्वल टू करते हैं जीरो, इक्वेशन नंबर वन इसको दे देते हैं। बड़े आराम से सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, इत्मीनान के साथ सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर अब इस इक्वेशन को देखने के बाद, फिलहाल जो मेरे को इक्वेशन दिख रहा था वो दिख रहा था कॉशी एंगल का, कॉशी सर का इक्वेशन है ये, बट अब ये जो इक्वेशन है ये चेंज हो चुका है, ये इक्वेशन कैसा हो चुका है, ये इक्वेशन अभी फिलहाल मेरे को दिख रहा है क्या, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर, ठीक है। तो जैसे ही मैं इसको सॉल्व करूंगा तो इसका जो सॉल्यूशन होता है, इसका जो सॉल्यूशन होता है उसको मैं बोलता हूँ सी एस इज इक्वल टू सी एफ। तो जो सी एफ हम लोग निकालते हैं वो हम लोग को कैलकुलेट करना है, प्रीवियस वीडियो में भी यही किया था, अभी भी यही करेंगे। तो हमारे पास जो सी एफ हम लोग को निकालना है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बोलते हैं, आप नोट कर सकते हैं इसको, आने वाले फ्यूचर में आपको 2020 में काम आएगा, 2021 में भी काम आ सकता है। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या नेचुरल सॉल्यूशन, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या जीरो इनपुट रिस्पॉन्स, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और इसी को हम लोग बोलते हैं कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। अब सी एफ निकालने के लिए मैं ऑक्सिलरी इक्वेशन उठा रहा हूँ, ऑक्सिलरी इक्वेशन मेरे पास क्या है, ऑक्सिलरी इक्वेशन मेरे पास है डी स्क्वायर माइनस थ्री डी प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। मैं जैसे कक्षा नवी में हम लोग सॉल्व करते थे मिडिल टर्म स्प्लिट करके सॉल्व करते हैं इत्मीनान के साथ, ठीक है ना। तो ये डी स्क्वायर माइनस टू डी माइनस डी प्लस टू। अब कुछ लोग को लगेगा कि यार इतने छोटे क्वेश्चन को हम इतना लंबा सॉल्व कर रहे हैं, वो इसलिए ताकि सारे लोग को इससे फायदा हो जो पहली दफ़ा देख रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, और जो बार बार देखते आ रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, दोनों को फीलिंग सेम आनी चाहिए। तो मेरे पास आ गया डी, यहाँ से बचा गया डी माइनस टू, यहाँ से माइनस वन, और यहाँ से बचा गया डी माइनस टू बराबर जीरो। इत्मीनान के साथ देख रहा है, मेरे को दिख रहा है कि डी इज इक्वल वन टू, तो बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन फ्रेम किया था, d इज इक्वल टू वन टू। इसके पहले जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया था इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का, उसमें आया था वन थ्री, इसमें क्या आ रहा है वन टू, ठीक। अच्छा, और बिल्कुल इसी जगह पे मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन को भी सॉल्व किया था, बिल्कुल इसी स्टाइल से सॉल्व किया था। तो यहीं पर हमारे पास सॉल्व क्या हो रहा है, देखो ध्यान से, y इज इक्वल टू, अब जब इसमें आप पुट करते होंगे तो पुट करते टाइम पे हमको ध्यान रखना है कि अभी जो फंक्शन हमारे पास डिक्लेयर्ड हुआ है वो ई के फॉर्म का फंक्शन है, क्लियर। तो मैं ई के फॉर्म में, टी के फॉर्म में आंसर लेके आता हूँ, तो ध्यान से देखो क्या हो रहा है, ये हो जाता है c1 e रेस्ट टू पावर t प्लस c2 e रेस्ट टू पावर 2t, इसको दे देते हैं अगला इक्वेशन, ठीक है। अच्छा, अब ये जो e पावर t है वो बेसिकली है x के फॉर्म में क्या, सिंपल x, और e पावर 2t हो जाएगा x स्क्वायर। तो क्या हो गया, देखो ध्यान से, ये हो गया y इज इक्वल टू तुम्हारे पास क्या c1 x प्लस c2 और ये आ गया x स्क्वायर, ठीक। इसके बाद का जो काम है वो भैया आप लोग का काम है, क्योंकि यहाँ पर नीड पड़ सकती है मेरे को थोड़ी बहुत कैलकुलेशन की, और आप मेरे साथ हैं तो डरने की कोई बात नहीं। कैलकुलेशन के लिए मेरे पास आने वाला है गिवन वाला पार्ट, तो ये जो मेरे पास लिखा है इसको मैं रेड कलर से एक बॉक्स के अंदर डाल रहा हूँ। तो मेरे पास जो बाउंड्री की कंडीशन दी हुई है, इसको हम लोग बोलते हैं बी वी सी, बाउंड्री वैल्यू कंडीशन, वो क्या है बेसिकली, वाई वन पे बोल रहा है कि वो जीरो है और वाई टू पे बोल रहा है टू है। चलिए मैं आप लोग एक कंडीशन भी पुट करता हूँ इसमें, तो y1 पे 0 कर रहा हूँ तो 0 इज इक्वल टू, x की वैल्यू 1 डालेंगे तो आ जाएगा c1 प्लस c2, इसका इक्वेशन नंबर कुछ और दे देता है स्टार अगेन। जैसे मैं डाल रहा हूँ सेकंड कंडीशन, सेकंड है मेरे पास y2 इज इक्वल टू 2, तो y2 इज इक्वल टू, जैसे मैंने 2 डाला, देखिए ध्यान से क्या हो रहा है यहाँ पे, ये मेरे पास आ गया क्या 2 इज इक्वल टू, x की वैल्यू आपको 2 डालनी है तो ये आ गया 2c1 प्लस, यहाँ पे x की वैल्यू आप 2 डालोगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो ये आ गया मेरे पास 4c2
यहाँ से टू कैंसल आउट होने वाला है, तो मेरे पास क्या आ गया, सी वन प्लस टू सी टू इज इक्वल टू वन। देखो टू से कटा देते, गया यहाँ से बचा टू और ये चले गया, तो सी वन प्लस टू सी टू इज इक्वल टू वन। और मेरे पास ये वाला इक्वेशन क्या था, यहाँ था मेरे पास क्या, सी वन प्लस सी टू इज इक्वल टू कितना, शून्य। अगर मैं दोनों को सॉल्व कर देता हूँ, है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शुद्ध मातृभाषा में इसको हम लोग बोलते हैं विलोपन विधि, सहायता लेते हैं विलोपन विधि की, इसको निपटाते हैं। ये मेरे पास क्या हो गया, सी टू बराबर कितना, एक, सी टू की वैल्यू वन आ गई। यहाँ से आप झाँक के देखोगे, देखो यहाँ से झाँक के, ये अपने झाँका यहाँ पे, तो जैसे ही आप डाला सी वन, सी टू की वैल्यू आपने डाला कितना, वन, तो ये चाहेगा पल्टी मार के उधर, और सी वन की वैल्यू यहाँ से बाहर निकल रही है हमारे पास, सी वन की वैल्यू बाहर निकल रही है मेरे पास कितनी, माइनस वन। ठीक, अब आपको मैं दे रहा हूँ थोड़ी सी एक चीज़ जो आप करते हैं हमेशा मेरे साथ, जो भी मेरा वीडियो देख रहे होंगे, मेरे होनहार विद्यार्थियों, ध्यान से देखिए हमको क्या करना है। यहाँ पर मेरे को कैलकुलेट करना, भैया कहाँ गया ये रहा, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो वाला जो अपन काम करते थे बचपन में, वाई थ्री तुमको कैलकुलेट करना है, है ना। जो भी इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं उनको बता दूं कि हम लोगों को फिलिंग द ब्लैंक्स करना है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो ध्यान से, हमारे पास है सी वन की वैल्यू, हमारे पास है सी टू की वैल्यू, और हमारे पास है एक्स की वैल्यू। सी वन की वैल्यू आपने निकाली हुई, यहाँ से निकाली हुई है सी वन, यस वी नो, सी टू यस वी नो, वॉट इज एक्स, हियर वी हैव एक्स इज इक्वल टू थ्री, तो एक्स इज इक्वल टू कितना, थ्री। ये सारी की सारी वैल्यू को मैं डालने वाला हूँ यहाँ पर, और आप मेरे को ये बताने वाले हो कि यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक में कमेंट आपको करना है आपका आंसर। थैंक यू सो मच।